बंदर लिटरली ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाल देता तब तक अप्लाई करूं क्या चला जाएगा, वैसे भी बात नहीं हो रही है, अभी भी कौन सा हो रही है। एग्जैक्टली सही है बहुत। ओके और ऐसे आई थिंक बहुत सारे रिजेक्शन भी यू हैव फेस्ड राइट। तो अभी तो एक स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस हो गया है कि इंटरव्यू में बेसिकली क्या क्या पूछता है, बेसिकली मैं एक इतना कि पता है कि चलो इतना के अंदर ही पूछेगा राइट। सो कैन यू शेयर कि मतलब एक बंदा अगर प्रिपरेशन ले रहा है सो वो अगर इतना के में पढ़े या इतना उसको नॉलेज हो राइट, तो वो बाउंड्री क्या होगा? लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट DSA, ओके, तो DSA में कितना तक आना चाहिए? लाइक सी ट्रीज ये सब तक कर ले पूरा, कि एक पर्टिकुलर मेरे को लिंक लिस्ट और यहाँ तक आ रहा है तो भी चलेगा, लाइक हैश तक आ रहा है तब भी चलेगा? देखिए वो तो कैमरे की बात है कि आप क्या पढ़ के जाते हो और इंटरव्यू आपसे क्या पूछता है, वो तो किस्मत की बात है, उसमें तो कोई लॉजिक वॉजिक है नहीं। बट आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप DSA तो एटलीस्ट पूरा पढ़ के जाइए। आई एम नॉट सेइंग कि हार्ड लेवल करके जाइए, बट आपको उसका पता होना चाहिए कि वो चीज़ यूज करोगे तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है, इतना पता होना चाहिए। और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आप पढ़ के नहीं गए हो वही पूछते, और जो आप पढ़ के नहीं गए वो नहीं पूछा, तो वो गैम्बल क्यों लेना? अगर जब आपको नौकरी चाहिए तो यू शुड बी, अगर आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको बेस्ट चीज दे तो आपको भी एक्सपेक्ट करना चाहिए ना कि मैं भी अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करूँ। इट्स अ टू वे स्ट्रीट, सिंपल सी बात है। The Paytm Innovator and many such other companies. Uske baad finally, like you also applied for Flipkart, right? If I'm not wrong. I also went for Flipkart. I went in the last round, and sab kuch acha tha, and it was competitive and everything. So, mujhe samajh nahi aaya what went wrong, but HR call aaya ki they have found the feedbacks from my rest of my interviews. They were not good up to the mark. Or something like that. So, but I was disappointed कि if अगर मेरा interview इतना ही बेकार था, तो why they have proceeded me further? मतलब what was the point? So yeah. And ये भी फायदा होता है कि अगर आप लड़की हो तो आपको chance ज़्यादा देते हैं। मतलब ये truth है, मतलब इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, मिलता है। But अगर आप लड़की हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो तो इस प्रॉब्लम से कभी शर्माना नहीं चाहिए कि अगर कोई लड़की है मेरी कॉम्पिटिटर तो उसको जॉब मिल सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर उसको लड़की होने की वजह से भी जॉब मिली तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो आपसे कम टैलेंटेड है, बिकॉज कंपनी को उतना ही पैसा देना है चाहे वो लड़का है या लड़की है। तो और कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि वो उस बंदे को नहीं देगी जिसमें काम आता हो। हाँ, डाइवर्सिटी हायरिंग होती है वो अलग से कंपनी करती है कि जब उसको लड़कियां ही चाहिए होती है। Exactly. Okay, so finally after like कितने साल हुआ बैंक ऑफ अमेरिका में? मुझे 1.3 इयर्स। 1.3 इयर्स। So finally today, obviously your last notice period is going on, right? Yeah. तो उसके बाद फाइनली यू आर सिलेक्टेड इन PayPal, सो इट्स अ लाइक ह्यूज शॉट्स, लाइक इन योर करियर एवरी लाइक माइलस्टोन इज अ ह्यूज शॉट। सो लाइक PayPal, हाउ डिड दैट हैपन? एंड बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम Paytm, Innovator एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, सो व्हाई डिड यू चूज PayPal एंड ऑब्वियसली द हायरिंग प्रोसेस एंड लाइक द CTC रेंज दैट वन कैन एक्सेप्ट? फर्स्ट थिंग वॉज दैट कि PayPal को मैंने अप्लाई किया था अपने फ्रेंड्स या रिवर्स के थ्रू, तब रिप्लाई नहीं आ रहे थे क्योंकि HR टीम से वगैरह से, तो फिर मैंने सोचा कि फिर से हम LinkedIn पे जाएंगे। तो मैंने LinkedIn पे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे PayPal पे उन सबको मैसेज किया था, तो उसमें से कुछ लोग बिल्कुल रिप्लाई नहीं आ रहे थे उसमें, तो
मुझे और डर लग गया था, बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है अब डायरेक्ट खुद ही एचआर को मैसेज करता हूँ। एचआर को भी मैंने बहुत सारे एचआर को मैसेज किया था पेपर के कि मुझे आप मैं अगर आपको मेरा रेज मतलब वही टेम्पलेट बना के भेजती थी कि ये मेरी चीजें हैं और ये मेरा रेज्यूमे है, पर फिर भी रिप्लाई नहीं आया एचआर से। और मैं आई थिंक थर्ड या फोर्थ डे पे थी जब मैं ट्राई कर रही थी, तो आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं। अब मैंने सोचा कि चलो एचआर की एचआर को मैंने स्टार्ट करना है। अब मैं डायरेक्ट सीनियर मैनेजमेंट से जा रही थी, लाइक टीम लीड या जो सीनियर मैनेजर है या मैनेजर है उनके पास जाऊंगी डायरेक्टली, सबको मैसेज देखेगा। तो आई थिंक वन गाय रिप्लाई मी विद लाइक उनकी स्टार्टिंग लाइन ये थी कि आई एम करंटली हायरिंग फॉर अ टीचर्स एक्सपीरियंस, तो मैं उसकी स्टार्टिंग लाइन पढ़ के थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी। ठीक है चलो ये भी नहीं गया। हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन उनकी ये थी कि बट आई एम वेटिंग फॉर इंटरव्यू, तो हम लोग इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, आपको एक एचआर कॉन्टैक्ट मिलेगी एंड इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट तो आपका हो सकता है। लाइक इट वाज अ वेरी पॉजिटिव रिप्लाई, ऐसा कुछ था नहीं कि कोई छुपा रखा है या कुछ था, सब क्लियर ओपन आउट था। ठीक है, तो एचआर का मेरे पास फोन आ गया था तो उसने ही पूछा था कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये वो सिंपल से तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगी कि जब भी आपका एचआर का फोन आता है और आपसे पूछ रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन सीपीसी क्या है, आपको कभी नहीं बोलना चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशन सीपीसी क्या है। अगर आपको पता भी है कि कंपनी इतना देती है फिर भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं, आप यू शुड नॉट से अ नंबर बिकॉज मतलब शायद अगर आपने रिसर्च नहीं कर रखी है एंड दैट कंपनी कैन गिव यू 16, बट आपने अपनी प्रेजेंट सैलरी के हिसाब से 12 बोल दिया, तो आपने सोचा कि 12 तो अच्छा है मिल रहा है मेरे को, बट कंपनी अगर 16 दे सकती है तो अगर आपका पास में सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी ये बोले कि आपने तो 12 बोला था बट आपके पास ये प्रोफाइल नहीं है, आपके ये नहीं है, फर्स्ट टाइम आपको 12 दे रहा है। सो यू शुड नॉट एवर से, अगर आपने रिसर्च मतलब एक तो पहली बार आप रिसर्च करके बैठो, अगर रिसर्च नहीं कर रखे तब तो बोलना ही नहीं चाहिए। इट्स वन ऑफ द क्या बोलते हैं ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उसको तो पता करना है कि मैं अगर इस बंदे को लेती हूँ तो मेरा कितना पैसा जाए, सिंपल सी बात है। और उसको तो चाहिए सस्ते से सस्ते में मिल जाए, अगर आप तक को एम्प्लॉइज लेने जाओगे तो आप भी चाहोगे ना कि सस्ते से सस्ते में मिल जाए। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलना चाहिए, अगर मेरे को नहीं बोलना है कि एक्सपेक्टेड सीडीसी क्या है, सो व्हाट शुड आई टेल दैट? यू शुड टेल देम कि एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स और या आप कितना एसपीसी मांग रहे हैं, सिंपल एज दैट। ओके, सो पेपाल हैपेंड लाइक दैट, सो यू हाँ कॉन्टेक्टेड अ सीनियर मैनेजर, राइट? या सो फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो उस पे लिंक्डइन पे क्वेश्चन था और एक हैश मैप पे था, दे वर आल्सो मीडियम मतलब क्वेश्चंस, तो इतना कोई हार्ड नहीं था। तो आई वाज एक मतलब पर वो मेरा अच्छा गया था, बट आई वाज सिंस आई वाज बिफोर दैट आई वाज जस्ट रिजेक्टेड बाय गूगल, तो आई वाज वेरी नर्वस कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब मैं छोड़ दी थी उम्मीदें ये होगा कि नहीं होगा, तो बस मैंने दे दिया था कि चलो दे देते हैं, अब उम्मीद तो है नहीं। एंड तो फिर उसके बाद फिर एचआर से फोन आया कि आपका इंटरव्यू अच्छा है, आपका फीडबैक पॉजिटिव है, तो हम आपका डायरेक्टली टीम लीड से सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू करा रहे हैं। तो टीम लीड से मेरा हुआ, बट क्योंकि इट वाज नॉट प्योरली बेसिक ऑन डीएसए, उसमें सिक्योरिटी क्वेश्चंस थे कि फ्रॉड डिटेक्शन आप कैसे प्रिवेंट करोगे अगर आपका डेटाबेस का पासवर्ड किसी बच्चे दे देगा, तो इट वाज कॉन्सेप्चुअल ऑल्सो, इट वाज मिक्स, इट वाज नॉट प्योरली बेस्ड ऑन डीएसए। एंड फिर मेरा थर्ड हायरिंग मैनेजर के साथ राउंड हुआ, और उसमें दो तीन लोग और थे जो मतलब उन्होंने ये पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, आप पेपैल क्यों यूज करना चाहते हो, आप अभी अपनी कंपनी क्यों चूज छोड़ रहे हो, या आपको क्या लगता है कि पेपैल आपको ये सारी चीज देगी, आपको क्यों ऐसा लगता है। तो इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन हायरिंग मैनेजर की तरह, जितना भी एचआर की तरह ही था। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट कि हाँ बुलावा आ सकता है, बट क्योंकि गूगल से रिजेक्शन हो गया था मेरा, तो आई वॉज बट आई वॉज लाइक कि चलो छोड़ो देखते हैं, मैंने मैंने तो कुछ सोचा नहीं था, मैंने बोला कि ठीक है। फिर उसके बाद आई थिंक 2 घंटे बाद ही मेरे पास एचआर का कॉल आ गया था, मेरे फाइनल राउंड के बाद ही,
कि यू आर सिलेक्टेड और आप ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए. तो मैंने बोला कि तो फिर उन्होंने बोला कि आपका बस अब सीटीटी रहता डिस्कशन है, उसके बाद आपको ऑफर लेटर वगैरह सब देंगे. फिर आई थिंक उन्होंने सीटीसी का नंबर नेक्स्ट डे बोला, आई नेगोशिएटेड समथिंग, तो उन्होंने उसी दिन बढ़ाया और थोड़ा कम किया, जो भी उनको ठीक लगा. फिर उसी दिन मैंने हाँ भी बोल दिया, नेक्स्ट डे मेरे पास ऑफर लेटर. तो इट वाज वेरी द वन ऑफ द रीजन व्हाई आई चूज पेपर वाज क्योंकि एचआर टीम बहुत अच्छी है. अगर उनको कोई कैंडिडेट पसंद है हायरिंग, मतलब तो ले रही है, आपको वेट नहीं कराते हैं, आपकी हर इंक्वायरी का वो आंसर देते हैं. एंड मेरे मैनेजर जो मेरा सीनियर मैनेजर था, जिसने मेरा लिंक्डइन में रेफरल दिया था या शेड्यूल कराया था, तो ही वाज आल्सो वेरी क्या बोलते हैं टेक्नो इंटरेस्ट, उनको देख के लग रहा था कि उनको नॉलेज है. तो आई मेड द राइट कॉल एंड या सो मुझे लगा, और मुझे अपना वो बेंचमार्क जो मेरा था वो उससे कहीं ज्यादा मिल गया. तो हमने कि आप और सब नॉलेज नहीं करने चाहिए. तो उसके बाद आई गॉट एवरीथिंग व्हिच आई वांटेड फ्रॉम फ्रॉम द जॉब फ्रॉम द नेक्स्ट जॉब. तो आई वाज लाइक वाह, सो फार इट्स लाइक अ ड्रीम पाथ, बिकॉज ऐसा कभी नहीं हुआ कि यू डोंट हैव अ जॉब एंड यू आर फेसिंग रिजेक्शंस. यू हैड अ जॉब ऑलवेज, एंड देन तब रिजेक्शन थोड़ा सा सही भी लगता है कि चलो फॉल बैक करने के लिए कुछ है, राइट? सो लाइक लिसनिंग टू योर जर्नी इज लाइक मोटिवेशन आ ही जाता है, बिकॉज एवरी कंपनी दैट यू हैव बीन इन टू इज अ बिग शॉट, राइट? एंड बहुत जन दे सेटल फॉर लेस, राइट? बहुत जन सोचते हैं कि लाइक टाइम एंड अगेन यू मेंशन कि शायद मैं उतना केपेबल नहीं हूँ, राइट? तो आई थिंक आफ्टर दिस हियरिंग दिस कि इफ अगर बेस सही है आपका, अगर कॉन्फिडेंस है अपने आप की कि हाँ इतना तो मेरे को नॉलेज है, राइट, तो हो जाएगा मेरा, राइट? भी बात है कि अगर वो कंपनी नहीं भी ले रही ना, तो इतनी अनगिनत कंपनी है ना, इतनी ज्यादा अनगिनत कंपनीज हैं. आप जितने इंटरव्यूज नहीं दोगे ना, उतने आपके पास कंपनीज के ऑप्शंस होंगे. राइट सो देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट चॉइस. तो ऐसा नहीं बोलना कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. नहीं, वो होता है, वो एक दो दिन तक ही होना चाहिए. उससे ज्यादा मात्र बनाओगे तो कैसे जी हो गया. आपकी तो बहुत कुछ फेस करना है, बहुत सारे. ये तो छोटा रिलेशन है, आगे चल के बहुत रिलेशन आ सकते हैं लाइफ में, पर्सनली आ सकते हैं, प्रोफेशनली आ सकते हैं. यू कैन लूज समवन क्लोज टू यू, थ्रू डेथ और थ्रू समथिंग एल्स. तो हिम्मत तो रखनी है. और हमारी जैसे अभी मैं शेरशाह देख रही थी, तो उसमें इतना अच्छा उसका हीरोइक बेटर था, तो मैंने सोचा कि उस लेवल का तो मैंने अभी कुछ किया ही नहीं. तो आई फील प्राउड कि मैं उस इस कंट्री से हूँ. तो इतना जज्बा तो होना ही चाहिए यार. अगर तो अपने लिए फाइट नहीं करोगे तो सामने वाला बंदा कैसे फाइट करेगा वेट वन में. बेसिकली दिल मांगे मोर. एग्जैक्टली कोई पेज 100 पे एंड आप पेज 1 पे हो, यू आर कंपेयरिंग, दैट्स कम्प्लीटली अनफेयर ऑन योर पार्ट. कंपेयर तो करना नहीं चाहिए, बट हाँ कोई अगर आपसे आगे है तो आपको उसकी पूरी एडवांटेज मिलनी चाहिए. भाई तो मेरा दोस्त है, तो मुझे पूरा बत्तू वहां तक मुझे पहुंचाओ, मतलब बस पूरी एडवांटेज पूरा फायदा उठाओ. भाई दोस्त की निभाई है तो आप फायदा भी उठाना चाहिए ना. अगर कोई आपको अच्छी जगह प्लेस है या आपको बहुत जिगरी यार है, तो पूरा फायदा उठाओ उसका, वो भी बुरा नहीं मानेगा भाई. वही ईगो रख के करना क्या है, हाँ सही बात है. एंड फाइनली बहुत एचआर क्वेश्चंस यू हैव फेस्ड, बट स्टिल वन मोर एचआर क्वेश्चन फ्रॉम माय सेल्फ. बिकॉज योर जर्नी हैज बीन सच एन अमेजिंग जर्नी,
सो आई एम वेरी क्यूरियस कि आफ्टर 5 ईयर्स वेर आर यू सींग योर सेल्फ, लाइक ये तो कंपनी में कंटिन्यू करना है कि यू आर अगेन लाइक गोइंग फॉर द बेस्ट रोल एंड बेस्ट प्लेसमेंट दैट वन कैन गेट. सो बेसिकली देखिए, मेरा तो सिंपल सा एम है कि मैं जहाँ पे भी काम करूँ वहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिले, और वहाँ पे मुझे जितना मैं काम कर रही हूँ कोई कंपनी आपको तभी रिस्पेक्ट करती है जब आपको उतना पे कर रही है. अगर कंपनी आपको रिस्पेक्ट नहीं करती तो आपको उतना पे भी नहीं करेगी. तो अगर मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, और घर तो सभी को चलाना होता है, कोई ऐसा नहीं है कि फ्री में काम कर देगा उसके पैसे नहीं दोगे तो वो रुक जाएगा. नहीं भाई, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू लीड अ टीम इन 5 ईयर्स मेरे अंडर जो भी मेरे हो. आई डोंट वॉन्ट टू हैव सीनियर जूनियर वॉल्स, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स थे या जो मेरे अभी सीनियर्स है वर्क प्लेस में या कॉलेज में, उन्होंने कभी ऐसी कोई वॉल नहीं रखी कि मैं सीनियर हूँ तो मतलब सर बुलाओ मैम बुलाओ, ऐसा कुछ नहीं था. तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ वेरी कूल सीनियर, मतलब कि भाई आके उसे कुछ भी पूछो, जितना भी पूछोगे मैं उतना, मेरे पास जितना होगा मैं उसे सब बता दूंगी. एंड अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं, रिलीज हो गया और वो प्रोजेक्ट बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, तो मैं उनको पार्टी पे ले जाऊंगी, चलो आज पार्टी करते हैं. एंड इट समवट इट फेल्ड ड्यू टू सम अदर रीजंस और समथिंग, कोई टेक्निकल फेलियर भी हो जाता है. तो मैंने कि कोई बात नहीं है, ऐसा चलता रहता है, मंडे को फिर से काम करेंगे, फिर से अच्छे से काम करेंगे और दोबारा पार्टी करेंगे तो अच्छे से डिप्लॉय हो जाएगा. हियरिंग दिस तो आई वुड थिंक कि यू विल बी अ ग्रेट लीडर एंड सब लोग होंगे कि मेरे को तो मंजिले मैम की टीम में जाना है. और ओके, मैम तो कहीं बोलेगा मुझे, आई मेक श्योर दैट कोई बात हाँ, और वर्क प्लेस में शायद होता भी नहीं है, सब लोग बाय नेम ही बुलाते सब लोग. वही तो, कोई अगर आपको सीनियर्स अच्छे मिलेंगे या सीनियर्स अगर अच्छे भी नहीं मिलते तो यू शुड बी नाइस. और अगर आप अपनी जो आपने सीखा है वो अगर आप पास ऑन कर पाओगे और वो किसी और की हेल्प कर देगा तो वो चेन बनती रह जाएगी एंड इट विल ऑलवेज क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो ऐसे तो सोचना ही चाहिए. राइट, मतलब बी द सीनियर यू एज अ जूनियर वांटेड टू हैव. एग्जैक्टली, सो ग्रेट यार, सो इट्स वाज अमेजिंग हैविंग यू बिकॉज इट्स टन ऑफ एक्सपीरियंस एंड सो मेनी गुड थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू एंड आल्सो लाइक योर जर्नी विल बी एन इंस्पिरेशन लाइक टू सो मेनी लिसनिंग एंड या एक थिंग इज वेरी कॉमन इन एवरी पार्ट ऑफ योर जर्नी कि जो मेरा है वो मेरा है मैं लेके रहूंगी. हाँ डेफिनेटली, मतलब अपने लिए तो फाइट तुम ही करोगे एग्जैक्टली, सो थैंक यू सो मच मंजरी फॉर कमिंग टू इनसाइड बुद्धा एंड इट वॉज अमेजिंग टू हैव यू एंड लेट्स होप इन द लाइक 1 ईयर डाउन द लेन वी विल हैविंग अ मोर कन्वर्सेशन ऑफ मोर एक्सपीरियंसेस. ना. आई विश समटाइम आई विल बी इंटरव्यूइंग यू इनसाइड बुद्धा अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. I would love that. I think we should have one later. Great. Thank you so much, Manjari, for coming and wish you all the best. So, yeah, signing off. Yeah, please take care. Bye. Bye.